हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीवी अपडेट मंत्रा। तो आज का अनुपमा का एपिसोड जो है वो ये रिश्ता के साथ मिक्स करके दिखाया था। तो मेनली जो है वो ये रिश्ता का ही जो है सीरियल दिखाया था अनुपमा का, तो बहुत थोड़ा सा पार्ट उसमें था, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि क्या था। बापूजी जो है वो अनुपमा को भेज देते हैं अनुज के साथ उदयपुर कि तू वहां चले जा, यहाँ आएगी तो वही सब लोग सेमी सर्कल में तुझे खड़ा कर सुनाएंगे और यहाँ तो वही ड्रामा होगा, तो वो इसलिए उसको वहां भेज देते हैं। वहीं अनुपमा और अनुज जो है वो उसी कैब में जा रहे होते हैं मीटिंग के लिए, जिस कैब में पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो स्टार कास्ट है यानी कि अक्षरा का जो भाई है वो बैठा हुआ, और उसी में उसकी जो है अक्षरा की इंगेजमेंट की रिंग गिर गई है। अनुज जो है चला जाता है मीटिंग के लिए और अनुपमा के बैग में गलती से अक्षरा की रिंग आ गई है, और उसकी जो गाड़ी है वो उन गोयनका हाउस के सामने ही खराब होती है। तो अनुपमा वहां उतर के गाड़ी सही होने का वेट कर रही होती है, तभी वहां अक्षरा और अभिमन्यु आ जाते हैं। और अक्षरा एक बार अनुपमा से मिली थी हमने प्रीवियस एक एपिसोड में, अगर आपको ध्यान हो आपने देखा हो, जब ये अक्षरा वाला फेज शुरू ही हुआ था। तो अक्षरा अनुपमा को पहचान जाती है और वो उसको फिर इंसिस्ट करती है उसकी सगाई में आने के लिए, और अनुपमा के पास भी कुछ करने को नहीं होता तो वो भी मान जाती है सगाई में आने के लिए। और वो उसको मंजरी यानी कि अक्षरा की सास अभिमन्यु की माँ के कपड़े दे देते हैं और वो बनठन के पूरा तैयार हो जाती है उनकी इंगेजमेंट सेलिब्रेट करने के लिए। बाकी वही पूरा दिखाया कि उनकी एंगेजमेंट कैसे सेलिब्रेट हो रही है, क्या हो रहा है, और एक बार बीच में अनुपमा ने रिंग का जो पैकेट है वो देख भी लिया, लेकिन उसे किसी ने बुला लिया तो उसने ध्यान नहीं दिया कि ये किस चीज का पैकेट है। और कायरव और वंश जो है वहीं साथ में परेशान हो रहे हैं कि जो है रिंग नहीं मिली, कैसे कहाँ गई। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि राखी दवे वो आ गई है शाह हाउस की, अनुपमा यहाँ नहीं है इसीलिए मैं किंजल का ध्यान रखने आई हूँ, पर उसका मोटिव तो कुछ और ही है, ड्रामा देखने के लिए आई है। उसको लग रहा है कि कल अनुपमा आएगी, ड्रामा होगा तो मैं कैसे ये फन मिस कर दूं। वहीं दूसरी तरफ बार रो रही है बहुत भयंकर तरीके से, और वनराज ने उसको चुप कराया और बा कहती है कि मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, ये वो, मैंने काव्या को अपना लिया, मैंने सोचा कि चलो वो शादी कर ले अनुपमा अनुज से, वो भी मैंने कह दिया, पर अब वो दादी बनने वाली है तो अब उसको शादी करेगी, लोग ताना मारेंगे मुझे, लोगों की नजरें ताना मारती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, मतलब वही है कि उसका बेटा कुछ भी करे, अगर उसका बेटा अब काव्या को छोड़कर तीसरी शादी भी कर लेना तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अनुपमा की जब खुशियों की बारी आती है तभी ये नाटक होता है और कहती है मैंने उसको बेटी माना, ये माना वो माना, बेटी सिर्फ माना, लेकिन ऐसा उसने कुछ भी ऐसा सीरियल में नहीं दिखाया कि उसने कुछ भी किया हो, जैसे बापूजी ने हमेशा साथ दिया है। वहीं दूसरी तरफ राखी दवे वहीं आ जाती है और कहती है आपके मन में क्या चल रहा है कि मैं अनुपमा को छोड़ूंगा नहीं, ये वो। तो वो कहता है कि आप मुझे बताइए कि आपका क्या गेम प्लान है। तो ये दोनों मिलकर जो है कुछ ना कुछ, मतलब वही सब होगा, कुछ नया नहीं होगा, अनुपमा जैसे ही घर आएगी ये लोग टेन 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 पूरा शुरू हो जाएंगे उसके सुनाना, तो वो कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा। बापूजी को कहती है कि मैं अब उसको छोड़ूंगी नहीं, अगर वो गिर सकती है तो मैं भी अब सारी हदें पार कर दूंगी, ये वो। तो पहले कौन सी उसने हदें रखी थी, सब कुछ वो सुना ही देती थी, तो अब भी वही होगा, कुछ नया नहीं होगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।